हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेट विद एम के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 31 अगस्त 2019 और आज के जितने भी शैक्षणिक समाचार है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चाहे आरपीएससी भर्ती हो, आरएसएमएसएसबी एलडीसी भर्ती, रेलवे ग्रुप डी भर्ती, आर्मी नई भर्ती, इन सभी के बारे में किसी भी न्यूज़पेपर में खबर आई हो दोस्तों, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार से दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर प्रकार की खबर की जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। तो बात करते हैं दोस्तों आज की तमाम खबरों के बारे में। तो पहली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आरपीएससी की ओर से। आरपीएससी ने जारी की विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर कुंजी, 4 से 6 सितंबर तक आपत्ति आमंत्रित। यानी दोस्तों आरपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं की यहां पर जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है, और जिन विद्यार्थियों को प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है दोस्तों, वो 4 से लेकर 6 सितंबर तक अपनी आपत्ति यहाँ पर दर्ज करवा सकते हो। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर 100 रुपये का शुल्क देना होगा दोस्तों, जिस प्रश्न के लिए आप आपत्ति लगा रहे हो। अगली खबर की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों, अगली खबर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से निकल कर आ रही है। 10वीं बोर्ड की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा नवंबर में, 19 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। रेलवे ग्रुप डी में पदों पर भर्ती, बोर्ड 6 सितंबर तक शिकायतों का करेगा निस्तारण। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 17 अगस्त से 23 अगस्त तक का मौका था, जिसके आवेदन निरस्त हो गए थे। बोर्ड ने इन शिकायतों पर अंतिम निर्णय लेने की समय सीमा 31 अगस्त निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 सितंबर कर दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, पहले आपसे 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आपको मौका दिया था कि आपका जो फॉर्म है उसको आप सुधार सकते हो। उसके बाद जो बोर्ड है वो निर्णय लेने की तारीख 31 अगस्त रखी थी बोर्ड ने, अब उसको बढ़ाकर 6 सितंबर कर दी गई है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और दोस्तों इसका एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है। अगली खबर की बात करें तो देख सकते हो दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है, प्राइवेट स्कूलों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। तो आप देखते हो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले प्राइवेट विद्यार्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी, जबकि विलंब शुल्क के साथ 1 से 15 अक्टूबर तक भी आवेदन किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से खबर निकाली है दोस्तों एलडीसी से संबंधित। यहाँ पर बता रखा है कि जिन अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा दिनांक 5/9/2019 को है, जिन अभ्यर्थियों की प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र पर समय 11 से लेकर 1:30 बजे तक त्रुटिविश मुद्रित हो गया है, तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ये समय इन्होंने यहाँ पर दे रखा है 11 से लेकर 1:30 बजे तक, ये समय यहाँ पर त्रुटिवश हो गया है। तो अभ्यर्थी को यथावत जो समय है 11 से लेकर 12:30 बजे तक, वही आपका यहाँ पर समय रहेगा दोस्तों। ये समय आपको मान्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है अपनी टाइपिंग के समय के लिए दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो देख सकते हो, पहली बार होगा मतदाता सूची के नामों का सत्यापन। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार मान चुकी है गरीब को घुटन, गर्मी की आदत है तब 30,000 स्कूलों में बिजली नहीं है और अंधेरा है दोस्तों। अगली खबर है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 3 नवंबर को 10वीं के विद्यार्थी ले सकेंगे भाग। नेक्स्ट खबर की बात करें तो देख सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख आज, रिटर्न नहीं भरा तो अब होगा जुर्माना। नेक्स्ट खबर है, भरतपुर में होने वाली सेना भर्ती के लिए अंगाई में, सेना भर्ती में भर्ती होने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं युवा, 2 तक होंगे पंजीकरण। तो दोस्तों देख सकते हो, आर्मी की भर्ती है तो इसमें आप जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं वो आराम से इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो देख सकते हो, विद्यालय को अभिभावकों और स्टाफ ने 56,400 रुपये दान कर दिए। नेक्स्ट है सेकेंड ग्रेड से संबंधित, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 9,322 पदों के लिए 20,464 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। तो दोस्तों देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए उन्होंने काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जानकारी दी है। अगली खबर है, यूपीएससी मुख्य परीक्षा 20 से 29 सितंबर तक होगी दोस्तों, और साथ ही में जो पीजीटीजी के 3,864 पदों पर भर्ती है वो 5 सितंबर तक, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटीजी के पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार बतौर टीचर के पद पर अपना करियर बनना चाहते हैं, वो एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो देख सकते हो, 139 तहसीलदारों का यहाँ पर स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया गया है। नेक्स्ट खबर है, मुख्यमंत्री की पहल, भर्तियों की जटिलता का समाधान कर खोली सरकार ने नियुक्ति की राह। तो खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितनी भी लंबित भर्ती प्रक्रिया है उनको जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए, इन पर सरकार का विशेष जोर है। अगली खबर की बात करें तो देख सकते हो, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान से एक खबर निकल कर आ रही है, रीजनल कॉलेज से कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग पुष्कर रोड अजमेर, साक्षात्कार के लिए संविदा पर कुछ पदों के लिए इन्होंने यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो कि आप वहाँ पर जाकर साक्षात्कार दे सकते हो। अगली खबर देख सकते हो, बीए बीएससी इंटरग्रेट परीक्षाओं में देरी, पूरा होने में लगेंगे 5.5 वर्ष। जेएनयू में बीए बीएससी इंटरग्रेट कोर्स की परीक्षाओं में देरी से 4 साल के कोर्स को पूरा करने में करीब 5.5 साल लगेंगे। इस कोर्स की परीक्षाएं मई में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक परीक्षाओं की तारीख घोषित नहीं हुई है।
तो दोस्तों देख सकते हो आज की जितनी भी तमाम खबरें थी उसके बारे में आपको रूबरू करा दिया। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई कमेंट हो तो नीचे आप कमेंट ऑप्शन में अपना सवाल टाइप कर सकते हो, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों राजस्थान पुलिस SI सबकी यहाँ पर आपको ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ में, तब तक दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।